इरफान शेख लतीफ। इरफान भाई क्या हुआ? मैं मेरा घर का काम कर रहा था, मकान का, वहाँ पर कुछ ये गुंडे चोर चमार ये लोग सब आए, वहाँ पर 30-25 लोग तलवार हथियार वो सब फट गए। कौन सा विस्तार है वो? अनवर नगर। क्या नाम है उनका? नाम उनका नाम है, एक का नाम जुबेर आरके है और अपने वसीम मलिक के ये सब आदमी लोग है, ये सब ये चोर कंपनी है पूरी, ये सब छोकरों को यहाँ जबरदस्ती आगे मारते ढोकते, किससे भी कोई भी चीज़ छील झड़प करते, छीनते छानते, बेगुनाह किसी को भी मार के चले जाते। इसके बारे में पहले आपने फरियाद की थी सलातपुरा में? इसके बारे में अभी हम लोग, मेरे तक कोई था नहीं बात, तो मैंने किसी को कोई फरियाद की नहीं थी। बाकी अभी मेरा भी कुछ लेना नहीं था, मेरे कारागिर के साथ में बातचीत थी कुछ, उसको लाफा मार के गया और उसके बाद में अदावत रख के मेरे ऊपर डायरेक्ट जानलेवा हमला करा है लोगों ने। आज सलातपुरे में आप कितने बजे से आए हो? मैं अभी यहाँ पर 9 बजे से आया हूँ। फरियाद आपकी ली? हाँ, मेरी फरियाद अभी मैंने दी है। अभी मेरी और ये उम्मीद, मेरी ये मंशा है दिल की कि भाई मेरे को इंसाफ मिले, और मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी के भी ऊपर हमला होते होते बचा है। अभी मेरे बाजू बाजू वालों ने मेरे को भी छुपाया और मेरे घर वालों को हमला करते। क्या नाम उनका? जुबेर आरके है, उसमें सलमान असलम मुर्गी है, बाबा कालिया है, नन्नू बिलेख है, कातिया है। आप पुलिस स्टेशन आओ, पुलिस क्या आपके साथ व्यवहार कर रही है? पुलिस के साथ हमारा तो अच्छा व्यवहार है, बाकी हमारे को पुलिस से विनती है कि भाई हमारे को अच्छा इंसाफ मिले और हमारा जो भी है परिवार का ये सब उसका जिम्मेदारी ले वो, क्योंकि मेरे ऊपर जान लेवा हमला होने का पूरे चांसेस है। ये मेरे को अभी भी धमकी मिल रही है फोनों के ऊपर, मेरे को फोनों पे धमकी दे रहा है वसीम मलिक और ये असलम मुर्गी, मेरे को यहाँ पुलिस स्टेशन। ये सब उधर उनका बॉस है, ये वो अभी झगड़े में नहीं आया था, बाकी उसके सब सागरित आए थे, सब टोटल सागरित उसके आए हुए थे। अम्मा घर में भी बीमार है।